अनाज मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो गई है। मौसम ने इस बार निहाल कर दिया है। किसान इस बात से खुश नजर आ रहे हैं कि गेहूं को पकने के लिए मौसम में अनुकूल परिस्थितियां रही हैं, जिस कारण गेहूं की फसल अच्छी तरह से पकी है। मंडी में पहुंचे किसानों का कहना है कि इस बार कनक जमाई बाकली जैसी पकी है, दाना भी मोटा है और झाड़ भी अच्छा रहेगा। देखिए क्या बोले किसान और क्या कहना आढ़तियों का। सिंह जी, गेहूं अब की बार ना मौसम बढ़िया रहा, अब तक मौसम ठीक रहा जैसी सूचना मिली है, और गेहूं को पकड़ने का अच्छा टाइम मिला। कैसा झाड़ निकल रहा है, कैसी फसल है? झाड़ बढ़िया निकल रहा है। अच्छा, हमने पहले अपना कंडा करवा के जो ट्राली यहाँ गिरी है ना, उसमें मैंने एवरेज देखी है, जो अपनी 45 और 55 के बीच में एवरेज आएगी। 45 मन? हाँ, 45 मन की तो एवरेज आएगी। अब पिछले साल कितने का आइडिया था? पिछली बार का जैसे मौसम खराब हो गया था ना बीसी में, तो जब आइडिया तो था 60 का, लेकिन ये रह गई थी 40-35 कम आई थी कल। मतलब पिछली बार से अब की बार झाड़ ठीक रहेगा? झाड़ ठीक रहेगा, दाना मोटा है, पकाव ठीक है। अब मैं लेके आया हूँ, लेकिन थोड़ा सा मोचर मेरा आज ज़्यादा आया, 14 मोचर आया, लेकिन आज हमने खुली छोड़ दी है और 12 मोचर कल तक आ जाएगा। साथ में मंडी की भी हमारे को पता लगा है, अभी बोली कल को शुरू हो जाएगी। वैसे भी जैसे दाना जो पका बना था पिछली बार, उसमें भी कितने नुकसान था, और जो सरकार ने एक नॉर्म्स तय कर दिए थे भी चमक गेहूँ की कम होगी तो रेट होगा, अब की बार कुछ फसल में ठीक है सब? नहीं, अब की बार जो दाना है ना, दाना मोटा मोटा है, जैसे पहले गेहूँ होती थी ना, हमने देखी है 2-4 साल पहले, अब के दाना नहीं पिचका है। अच्छा, दाना मोटा मोटा है, सरकार भी इस माल को बहुत अच्छी उससे देख, मतलब लंबे टाइम बाद गेहूँ अच्छी पोजीशन में आई है अब की बार। ठीक है, और एक और मैं करना चाहता हूँ, सरकार के लिए बेहती है कि अगर जमींदार को बोनस दिया जाए तो वो बहुत अच्छा होगा। बोनस किस बात के लिए? बोनस भी जमींदार, पहले फसलें कम होती थी, कर्जा का लोन का बहुत बोझ पड़ा हुआ था, अगर अच्छा बीच में थोड़ा सा पैसा और रल जाए जमींदार खुशहाल हो जाए। हाँ जी प्रधान जी, मंडी में आवक शुरू होगी गेहूँ की? हाँ जी, आवक शुरू होगी है, थोड़ा माल नरम आ रहा है, कुछ माल ठीक भी आ रहा है। कोई आज कितनी का आवेगा मंडी में, जो विस्तार मंडी है? विस्तार मंडी में आप लगाओ कम से कम 100 ट्राली आई होगी। 100 ट्राली, और जो अपनी नई अनाज मंडी थी उसमें? उसमें देखो पता नहीं, मैं आज सुबह वहाँ नहीं गया, मैं यहीं आ गया सब। तो अच्छा, तो यहाँ जो प्रशासनिक तैयारियाँ हैं खरीद की, देखो उनकी प्रशासनिक तैयारी के लिए जैसे सेट था हमारे सामने ये बन गया, परंतु इसके अंदर थोड़ी सी लाइट की दिक्कत है। वो सेक्टर साहब से बात हुई थी, वो ये कह रहे थे भाई मैं टेम्परेरी लाइट लगवा देता हूँ, क्योंकि लाइट का टेंडर होगा। अच्छा, अगर परमानेंट के लिए लाइट का टेंडर होगा वो टाइम लगेगा, परंतु मैंने कहा इसको टेम्परेरी रूप पे लगवा दें। और मंडी में बिजली पानी की सुविधा क्या स्थिति है? पानी बिल्कुल ओके है, मार्केट कमेटी की तरफ से कोई नहीं, पर बिजली बोर्ड की तरफ से हमें एक बड़ी शिकायत है। क्या? हमारे यहाँ 3 फेज की लाइट नहीं आती है। अच्छा, एक सिंगल फेज चल रहा है हमारी साइड, ये दो फेज नहीं आ रहे हैं, जिससे तो लाइट डिम हो जाती है। किसी से मिले बिजली अधिकारी SDO से कह लिया, सेक्रेटरी साहब ने भी बोल लिया, हमने भी बोल लिया, परंतु कोई सोल्यूशन नहीं वो कर रहे हैं। अच्छा, तो सीजन में दिक्कतें आएंगी? सीजन में दिक्कतें आएंगी, क्यों नहीं आएंगी, पिछले साल भी आई हैं, जो पीछे वीट पैडी सीजन गया उसमें भी आई थी। तो फिर इसके लिए आप DC वगैरह से मिल सकते हैं? हमने SC उसको एक्शन को बोला है, SDO को बोला है, JE को बोला है, वो कहते हम कर देंगे जी। अभी तक नहीं हुआ? करता कोई है। और जैसे आप 100 से ज़्यादा ट्रली आ गई हैं, किसान बैठे हैं, तो बिक्री की क्या स्थिति है, बोली कब तक आएगी? कोई बोली की उम्मीद है आज या कल हो जाए, जैसे बोली आज तो शायद ना हो पाए, क्योंकि बारदाना मिलेगा पहले। अच्छा, उसके बाद कल शायद हो जाए। अभी तक बारदाना आवंटित हुआ नहीं? आवंटित होना था, हमने भी नहीं लिया, एसोसिएशन ने भी नहीं लिया, क्योंकि माल गिल्ले आ रहे थे। अच्छा, आज कुछ माल ठीक है, उम्मीद है कल से परसों से, कल या परसों हो जाए, खरीद शुरू हो जाएगी। तो जमींदारों से क्या अपील करेंगे? जमींदारों से अपील तो यही है, अभी माल सुखा के कटाएं, गिल्ला मत लेके। अच्छा, अपने घरों में सुखाएं या खेत में ही खड़ी ही सुखा ले तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि अगर जो खड़ी सूख जाएगी वो दूसरी कोई चीज़ और सूखती नहीं। ठीक है, ये अपील हमारी। अब तक जो आई है, जैसे आज 100 ट्रेली आपने बताया, झाड़ कैसा है, कैसी रिपोर्ट आ रही है? देखो फार्मर ये कह रहा है झाड़ ठीक है, जैसे अभी मेरे पास आई हुई है, अपने अंग्रेजी हैं अपने डेरा गदला से, ये इनका आइडिया है, अभी मेरी 22 क्विंटल अंदाजा निकली।